हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर सीरीज़ में वॉलवॉक्स एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वॉलवॉक्स का कहाँ पाई जाती है प्राप्ति स्थान और थैलस किस तरीके का होता है। वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है उसे हम सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम की कोशिकाओं की किस तरीके की रचना होती है और उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। मींस वॉलवॉक्स में जनन या रिप्रोडक्शन दो तरीके से बताया था मैंने पिछली बार आपको, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पिछले क्लास में देखा था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ब्लैकिया स्टेज के थ्रू, उसमें इन्वर्जन के थ्रू होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर जो ग्रोइंग सीजन होता है समर्स का, उसके एंड में स्टार्ट होता है। और ये रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स में ऊगेमस टाइप का होता है। इसका मतलब इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनको हम एंथ्रीडियम और ऊगोनियम के नाम से जानते हैं, वो एक दूसरे से अलग डिस्टिंक्ट प्रकार के होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को ऊगेमस रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जहाँ मेल और फीमेल बिल्कुल डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वॉलवॉक्स की जो स्पीशीज़ हैं उनमें से कुछ स्पीशीज़ मोनोशियस हो सकती हैं। मोनोशियस का मतलब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं एंथ्रीडिया और ऊगोनियम, ये एक ही कॉलोनी में सिनोबियम में पाए जाएं, तो इस तरीके की स्पीशीज़ दे आर नोन एज मोनोशियस स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स ग्लोबेटर। और इसके अलावा ऐसा केस भी हो सकता है कि वॉलवॉक्स की जो कॉलोनीज हैं उनमें एक ही तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हों, जैसे किसी कॉलोनी में केवल एंथ्रीडियम डेवलप हो और किसी कॉलोनी में केवल ऊगोनियम डेवलप हो। मतलब दो डिफरेंट टाइप की कॉलोनी में डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो, तो इस तरीके की स्पीशीज़ को डायोशियस स्पीशीज़ कहा जाता है, जिसमें दो तरीके के कॉलोनीज़ हमें दिखाई देती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलवॉक्स ऑरियस, ये एक डायोशियस स्पीशीज़ है। कई बार जो कुछ कॉलोनीज़ हैं वॉलवॉक्स की, उसमें एंथ्रीडिया और ओगोनिया दोनों पाए जाते हैं मोनोशियस स्पीशीज़ में। और जो मोनोशियस स्पीशीज़ होती हैं वो प्रोटेंड्रस होती हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है इन स्पीशीज़ में जिनमें मेल और फीमेल दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएँ, उनमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंथ्रीडियम जो है उसका वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। एंथ्रीडिया दे मैच्योर बिफोर ओगोनिया। तो दीज स्पीशीज़ आर नोन एज प्रोटेंड्रस स्पीशीज़। कई बार जो कॉलोनी है जो कि जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो उन कॉलोनीज़ में, उन सिनोबियम में डॉटर कॉलोनीज़ नहीं बनती हैं। वो सिनोबियम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं कॉलोनी में, सिनोबियम में, वो कॉलोनी के पिछले तरफ पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स कॉलोनी की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बदलेंगी, उन कोशिकाओं को गैमिटेंजिया कहा जाता है। जैसे डॉटर कॉलोनी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने उनको गोनीडिया नाम दिया था, यहाँ वो गैमिटेंजिया नाम से जानी जाती हैं। और ये गैमिटेंजिया जो हैं वो पूरी कॉलोनी में सीमित संख्या में पाए जाते हैं, कुछ संख्या में ये पाए जाते हैं। और ये जो गैमिटेंजिया है, ऑब्वियसली जो गैमिटेंजिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
बनाएगी में मैच्योर होगी या वो उसका डेवलपमेंट होगा वहाँ पे, उसको एंथ्रीडिया कहेंगे, और जो फीमेल गेमेटेंजिया है उनको ऊगोनिया के नाम से जाना जाता है। नाउ हम इसमें एंथ्रीडियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जो गेमेटेंजियम एंथ्रीडियम में बदलने वाला है वो सिनोबियम की बाकी की वेजिटेटिव जो सेल्स हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी कोशिका वो हो जाती है, वो गेमेटेंजियम थोड़ा बड़ा हो जाता है वेजिटेटिव सेल से, उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। यहाँ आप ए नंबर की जो कोशिका है उसको आप देख सकते हैं, ये गेमेटेंजिया जो एंथ्रीडियम बनाने वाला है, मेल गेमेटेंजियम है, इसकी कोशिकाएं बाकी की डॉटर सेल्स बाकी की जो समंडल की कोशिकाएं हैं उनसे बड़े साइज़ का होगा। उसका जो फ्लैजिला है वो विड्रॉ हो जाएगा, मतलब वो फ्लैजिला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो पाया जाएगा, लेकिन वो साथ वाली जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनसे कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं बाकी की वेजिटेटिव सेल्स जो आउटर साइड में पाई जा रही हैं उनसे वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड रहती हैं। गेमेटेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड करता है, जैसे बी और सी डायग्राम में आपको पता लग रहा है कि ये जो गेमेटेंजियम का जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है वो लगातार डिवीजन करता रहता है, और लगातार डिवीजन से 16 से लेके 512 तक उसमें कोशिकाएं बनती हैं और उनका डिवीजन होता है, और ये डिवीजन के बाद में ये कोशिकाएं रॉड शेप्ड कोशिकाएं के रूप में पाई जाती हैं। और हर कोशिका में, जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये डिवीजन होके रॉड शेप्ड कोशिकाओं में ये बदल जाते हैं, डी डायग्राम में आप देख सकते हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, जो रॉड शेप्ड कोशिकाएं हैं, वो बाईफ्लैजिलेटेड हो जाती हैं ई पार्ट में। बाईफ्लैजिलेटेड कोशिकाओं में बदल जाती हैं, इनकी कोई कवरिंग नहीं होती, दे आर नेकेड सेल्स, और ये मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स कहलाती हैं दे आर नोन एज एंथ्रेजॉइड, इनको हम एंथ्रेजॉइड के नाम से जानते हैं जो यहाँ ई डायग्राम में दिखाई जा रही हैं। कुछ स्पीशीज़ में ये जो सारे एंथ्रेजॉइड्स हैं एक एंथ्रीडियम के, वो एक बंडल के रूप में पाए जाते हैं, और ये बंडल के रूप में ही इस सिनोबियम से या समंडल कोशिका से रिलीज़ हो जाते हैं, मुक्त होते हैं। और बाकी कुछ स्पीशीज़ में, दूसरी स्पीशीज़ में ये जो सेल्स हैं इनमें जो एंथ्रीडियम की सेल्स हैं वो एंथ्रेजॉइड बना रही हैं, 128 एंथ्रेजॉइड्स जिन कोशिकाओं में बन जाते हैं उसमें ये एंथ्रेजॉइड्स हैं वो एक इस तरीके से हॉलो स्फीयर में, मतलब जो हॉलो है खोखली एक गेंद नुमा रचना बन जाती है उसमें अरेंज रहते हैं, जैसे यहाँ इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से डी सेक्शन में आप देख रहे हैं जिसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, और ये प्रतिलोमन के बाद में ई टाइप के स्ट्रक्चर में बदलते हैं। डी में आप देख रहे हैं जो एंटीरियर अग्र हिस्सा है, नुकीला हिस्सा है एंथ्रेजॉइड का, वो खोखली गेंद के अंदर की तरफ पॉइंटेड है, जबकि प्रतिलोमन के बाद में ये बाहर की तरफ निकल जाता है इस ओपनिंग से होता हुआ, और इसमें ये एंटीरियर हिस्सा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और इसमें दो फ्लैजिला भी डेवलप हो जाते हैं। तो एंथ्रीडिया की जो एक सेल है उसमें डिवीजन के बाद में ये बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स बन जाते हैं, जैसे डॉटर कॉलोनी बनी थी उसी तरीके से डेवलप होती है, और ये एंथ्रेजॉइड्स एक दूसरे से अलग होके और डॉटर कॉलोनी इस वॉलवॉक्स की सिनोबिया से या कॉलोनी से रिलीज़ हो जाते हैं। तो दोनों किससे हो सकते हैं, या तो ये बंडल के रूप में रहें और जैसे यहाँ पे बंडल के रूप में हैं,
और इसी फॉर्म में ये रिलीज़ हों, और या फिर ये इस तरीके से इंडिविजुअल रूप में रिलीज़ हों। नाउ दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ नोन एज ओगोनियम। जो इंडिविजुअल सेल है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वो तो हो गई एंथ्रेजॉइड, जो बायोफ्लेजिलेटेड बिल्कुल वॉलवॉक्स की कॉलोनी का स्ट्रक्चर है, लेकिन वो बायोफ्लेजिलेटेड है और गेमिटेंजिया में या मेल गेमिटेंजिया के एंथ्रीडियम के कोशिका विभाजन से बने हुए हैं। दूसरे जो गेमिटेंजिया हैं फीमेल गेमिटेंजिया हैं जो कि वॉलवॉक्स के सिनोबियम में पिछली तरफ पाए जाते हैं, वो ओगोनियम में मैच्योर होते हैं, ओगोनियम बनाते हैं, और ये ओगोनियम बनाने वाले जो गेमिटेंजियम हैं ये भी बाकी की कोशिकाओं से बड़े होते हैं साइज में, दे आर लार्जर देन दी अदर सेल्स ऑफ द कॉलोनी एंड साइज में बड़े हो जाते हैं और फ्लास्क शेप का इनका स्ट्रक्चर हो जाता है। इस ओगोनियम का जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड एक केंद्र की स्ट्रक्चर में बदलता है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, नॉन फ्लैजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड और गोलाई में ये कोशिका बदल जाती है और इसको हम एग के नाम से जानते हैं। ये मैच्योर एग जो यहाँ पे सी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये ओगोनिया कहला रहा है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसकी जो कोशिका है वो फ्लैजिला विहीन हो जाती है, बड़ी हो जाती है और सिंगल न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है और गोलाकार हो जाती है और इसको हम एग कहते हैं। और इस एग में पेरिफेरल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देता है और इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। और इस फ्लास्क शेप्ड ओगोनियम की जो का ओपनिंग है, जो ऊपरी सिरा है, बीक है फ्लास्क की, वो कॉलोनी के सरफेस पे यहाँ पे बाहर की तरफ खुलता है। तो ये ओगोनियम का स्ट्रक्चर हो गया। अब नाउ हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, दिस इज़ ऑल्सो अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम। नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो एंथ्रेजॉइड्स हैं, जो बायोफ्लेजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स, या तो वो सिंगल एक एक एंथ्रेजॉइड रिलीज होता है या वो बंडल के रूप में रिलीज होता है, ये कॉलोनी से रिलीज हो जाते हैं कॉलोनी की वॉल को तोड़ते हुए और जो भी जलीय माध्यम है उसमें तैरते हैं। जब वो ये एंथ्रेजॉइड्स जो हैं बायोफ्लेजिलेटेड, अगर वो किसी डॉटर कॉलोनी, किसी सिनोबियम में, किसी वॉलवॉक्स की वेजिटेटिव कॉलोनी के संपर्क में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसी सेक्सुअल कॉलोनी के संपर्क में आते हैं तो वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं उस कॉलोनी में। अगर वो किसी फीमेल कॉलोनी के कांटेक्ट में आते हैं स्विम करते हुए तो वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं और ये वहाँ अटैच होने, सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और उसके बाद में ये कॉलोनी की मैट्रिक्स को, या जो जी ओगोनियम के कॉलोनी की जो मैट्रिक्स है उसको वहाँ से हटा देते हैं, मतलब वो वॉल जो है वो डिसअपियर हो जाती है उस जगह पे। और ये जो एंथ्रेजॉइड्स हैं इनसे कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और उनकी वजह से ये इस वॉल को यहाँ से तोड़ देते हैं, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और इस की वजह से ये वॉल जो है वो टूट जाती है और ये एंथ्रेजॉइड्स ओगोनियम में प्रवेश कर लेते हैं। जब ये बंडल के रूप में होते हैं, अगर एंथ्रेजॉइड्स बंडल में हैं तो ये बंडल जो है वो अब इस अवस्था में आके टूट जाता है और एंथ्रेजॉइड्स जो है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स में, जो हॉलो फीमेल कॉलोनी है उसकी जिलेटिनस मैट्रिक्स में रिलीज़ हो जाते हैं। और अल्टीमेटली सारे एंथ्रेजॉइड्स आते हैं लेकिन एक एंथ्रेजॉइड जो है वो इस एग से फ्यूज़ हो जाता है और
वो एक जायगोट बना लेता है, थिक वॉल जायगोट बन की रचना हो जाती है, जो कि इस जी डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है। ये जो जायगोट बन गया फ्यूजन के बाद में, जो कि एक 2N स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल, तीन लेयर की एक वॉल बना लेता है, जिसकी आउटर वॉल जो है वो स्मूथ भी हो सकती है और इस तरीके की स्पाइनी रचना भी हो सकती है। और इस वॉल में कुछ हिमेटोग्रोम्स पाए जाते हैं, जो मतलब कुछ रंगीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जायगोट जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब ये जायगोट कुछ समय तक डोरमेंट रह सकता है और उसके बाद में ये पेरेंट कॉलोनी के डिसइंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ओगोनियम जो है वो सिंगल सेल्ड ओगोनियम था, इसके बाद में वो सिंगल सेल बड़ी होके फ्लैजिला विहीन होके एग में बदल जाती है, और इस एग में फर्टिलाइजेशन के लिए कॉलोनी का एनवलप तोड़ के एंथ्रेजॉइड्स जो रिलीज हुए थे एंथ्रीडियल कॉलोनी से, वो यहाँ पे आ जाते हैं, और एक एंथ्रीडियम का एक एग के साथ में फ्यूजन होके ये जायगोट जो है, जिसकी आउटर वॉल स्पाइनी या प्लेन हो सकती है, उसमें बदल जाता है, और ये तीन लेयर्ड जायगोट होता है, जिसकी अंदर की दोनों वॉल्स स्मूथ होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।